चांद छिपता है, सूरज निकलता है, चांद छिप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराग त्यागी टेक्निकल पर। और हमारा एक वाक्य है, हमारा एक सेंटेंस है, आइए इसके पीछे का साइंस जान लेते हैं। दोस्तों, इस चैनल में हम करते हैं अनबॉक्सिंग और बहुत सारे जुगाड़ आपको बताते हैं। आज मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ कि घर पर ही आप एक बहुत सस्ता माइक कैसे बना सकते हैं, और उस माइक की कीमत होगी केवल 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 10 रुपये। अगर आपके पास ईयरफोन ऑलरेडी हैं, और अगर आपके पास ईयरफोन नहीं है, तो पूरे माइक के बनाने की कॉस्ट आएगी 60 रुपये। दोस्तों, इस तरह की वीडियो पहले भी यूट्यूब पर हैं, मैंने चेक करी है, बट वो ऐसा लगता है कि काम करने वाली चीज़ें नहीं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ लेकर आया हूँ। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक ईयरफोन। ये ईयरफोन मैंने ख़रीदा है मेट्रो स्टेशन से, बाहर से। और ये ईयरफोन स्पेशल ईयरफोन है दोस्तों, ये अलग तरह का ईयरफोन नहीं है, 50 रुपये का मुझे मिला है केवल। और जितने भी आपको अभी तक बताए गए जुगाड़, उनसे अलग ईयरफोन है। यस दोस्तों, इस ईयरफोन में दो खास बातें हैं। पहली बात, एक तो इस ईयरफोन को हम यहाँ से डीअटैच कर सकते हैं। देखिए, ये जो आपका 3.5 mm का जैक है, इसको आप यहाँ से अलग कर सकते हैं। और इसमें इधर भी 3.5 mm का जैक है, डबल 3.5 mm जैक, ये इजीली मिल जाते हैं अगर आप ढूंढेंगे तो। यही माइक बनाने के लिए बेस्ट होता है, तो इसको आपको खरीदना है कहीं से ढूंढकर। ये मुझे मिल गया है मुश्किल से थोड़ा, और ये मेरे पास एक्चुअल में रखा हुआ था, मैंने बहुत पहले खरीदा था जब लॉकडाउन नहीं था उससे पहले। तो इस तरह का माइक लेना है जिसमें ये जो ईयर पीस होते हैं, ये अलग डीअटैच हो जाएं इससे। ये देखिए, दो बॉडी अलग अलग है, एक साथ अटैच हो जाती है। अगर मुझे गाने सुनने हैं तो मैं इसको फोन में लगाऊंगा, और फोन में लगाकर मैं यहाँ पर कान में लगाकर गाने सुनने शुरू कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, मुझे बनाना है इसका माइक। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको माइक हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब वीडियो अगर बनानी है तो सबसे जरूरी माइक। और माइक जनरली 900 जो बोया का माइक आता है, वो अब 1000 रुपये से ऊपर चला गया है। तो हम आपको जुगाड़ बता रहे हैं कि अगर आपके पास घर पे इस तरह का ईयरफोन पड़ा हुआ है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भाई 10 रुपये में आपका, 50-60 रुपये में आपको जुगाड़ हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम 100 रुपये में बहुत अच्छा माइक बनाने का जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको अलग कर लेना है। इसका कोई काम नहीं है हमारे पास, अगर आपको गाने नहीं सुनने तो इसको हम रख देते हैं एक तरफ यहाँ पर। अब हमारे पास बचती है बॉडी, और इस वाले ईयरफोन में एक अच्छी बात ये भी, इसके अंदर ये यहाँ पर क्लिप लगी हुई है, मतलब इसको मैं यहाँ पर आराम से लगा सकता हूँ। अभी तो मैं बोया के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, लेकिन मैं आपको माइक बनाने के बाद दिखाऊंगा कि इससे रिकॉर्डिंग कैसे आती है। तो इसमें क्लिप बनी हुई है यहाँ पर। कुछ वीडियोज़ में आपको बताया गया था कि यहाँ पर इसको आप अंदर लटका लो, टी शर्ट के अंदर डाल लो उसको। तो भाई, टी शर्ट के अंदर अगर हमने वाला पार्ट डाल लिया तो क्या होगा फिर, वो मतलब टच होगा अंदर, खुजली बुजली थोड़ा अजीब सा लगेगा, और वीडियो बनाने में तो कंसंट्रेशन चाहिए। तो ऐसा जुगाड़ नहीं है, इसको लग रखिए। हमें ये वाला ईयरफोन लेना है जिसमें क्या हो कि ये क्लिप लगाओ इस तरह से। यहाँ पर ये क्लिप वाले ईयरफोन मिलते हैं, और ये आपको किसी छोटी दुकान मिलेंगे जहाँ सस्ता सामान मिलता हो, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब आप कुछ नहीं करना, बस आपके पास होना चाहिए ये एक फोम जो आता है, जो बोया के माइक के ऊपर लगा होता है। ये मार्केट से 10 रुपये का आपको मिल जाता है। या आपके पास कोई पुराना माइक पड़ा हो, या किसी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे आप चले जाना, उनके पास ही बहुत सारे पड़े होते हैं, आप उनसे ले लेना, वो फ्री में दे देंगे आपको। बस ये आपको क्या करता है, ये एक्चुअल में नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए होता है, इसका बहुत फ़ायदा है दोस्तों। और अगर आपके पास ये भी नहीं है और आपको नहीं मिलता, तो आप घर में कोई भी कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा, रुमाल कोई थोड़ा फाड़ कर, आपको क्या करना है, बस जहाँ पर इसका माइक है इसके ऊपर लपेट देना है इसको, लेकिन बस ज़्यादा नहीं, एक दो बार। और अगर आपके पास ये भी जुगाड़ नहीं है, तो आप रुई एक ले लेना, रुई जिससे हम दिए की बत्ती बनाते हैं, और रुई को थोड़ा ऐसे करके और इसके ऊपर इस तरह उड़ा देना, तो ये हमारा एक नॉइज कैंसिलेशन बन जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। मैं देखिए, मैं इसको यहाँ चढ़ा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान चढ़ाइएगा, फट जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा उसी नाप से बना जाता है, बोया के हिसाब से या किसी भी। तो मैं इसको यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मैंने लगा दिया दोस्तों, हमें ध्यान से लगाना है ताकि हमारा ये ख़राब ना हो जाए। ये लग गया, देखिए अब ये बन गया है माइक हमारा। ये देख लीजिए आप, ये माइक बन चुका है, और ये हमने इसकी कैप इसको उड़ा दी, इससे क्या हुआ, नॉइज़ कैंसिलेशन हो जाएगा। अब हमारा माइक रेडी हो चुका है, हमें कुछ भी नहीं करना था। ये बहुत शानदार काम करता है दोस्तों, मैंने इसको चेक किया है। अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा अगला पार्ट, वो इसी माइक से रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। फिलहाल आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देख लीजिए आप, ये देखिए माइक लग गया हमारा। और ये पार्ट हमें कहाँ लगाना है, मोबाइल फ़ोन पर। इसकी थोड़ी लेंथ छोटी है, बट कोई बात नहीं, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं माइक में लगाऊंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी कैसी है, तो चलिए देखते हैं। चांद छिपता है, सूरज निकलता है, चांद छिपता है, हेलो हेलो, सूरज निकलता है, मेरे मन मंदिर में दिन रात तेरे राम का दिया जलता है।
तेरे नाम का दिया जलता है। ये एक वॉइस सैंपल था नज़दीक से, तो ये आपको कैसा लगा ये बताइएगा मुझे। हेलो हेलो, एक अनदर वॉइस सैंपल देख लेते हैं। हेलो 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 हेलो, अब दूर से हेलो 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 टेस्टिंग हेलो 1 2 3 4 हेलो। तो माइक कैसा लगा दोस्तों आपको, आप बताइए मुझे। सॉरी ये माइक थोड़ा सा कैसा लगा माइक, और देखिए दूर से मैं बोल रहा हूँ तो इस तरह की आवाज़ आ रही है। हेलो 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 हेलो, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो मैंने रिकॉर्ड करके देखा तो केवल 50 रुपये में हमारा माइक तैयार हो गया है, और अगर आपके पास ईयरफोन पड़ा है तो 10 रुपये में आपका माइक तैयार हो जाता है। ये माइक आपका बहुत सस्ता 100 रुपये के अंदर 50 रुपये के अंदर बन जाएगा, 10 रुपये में बन जाएगा आपके पास ईयरफोन पड़ा हुआ है। तो अगर आपको इस तरह का ईयरफोन नहीं मिलता जो डीएटएस हो जाता है, तो आप नॉर्मल ईयरफोन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसकी क्वालिटी कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताना, क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है, क्या इसकी क्वालिटी बोया से जितनी बेकार लग रही है जितनी अच्छी लग रही है उतनी अच्छी तो नहीं होगी। बोया एक प्रोफेशनल माइक है यूट्यूबर्स के लिए, लेकिन ये भी माइक कोई कम नहीं है। इसकी आवाज़ मैंने कई बार चेक करी है, इवन पिछली कई वीडियो अनुराग जय क्लासिक चैनल पर जो मैंने बनाई है इसी माइक से रिकॉर्ड करके बनाई थी दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी इसको लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, थैंक यू वेरी मच। ये जुगाड़ सबको दोस्तों को बता देना जो जिनके पास माइक नहीं है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है।